भारत में आगे की ग्रोथ प्लान पर, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने से पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। लेटेस्ट व्यू जो है, इस कंपनी की शुरुआत 2006 में हुई थी। डेटा एनालिटिक्स में लीडरशिप रखती है ये कंपनी। कंसल्टिंग सर्विसेज, डेटा इंजीनियरिंग का कारोबार है। बिजनेस एनालिटिक्स जैसी सेवाएं भी ये देती है। सप्लाई चेन एनालिटिक्स की भी सर्विसेज इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। 7 सालों में 12 गुना से ज्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। 30 से ज्यादा फॉर्चून 500 कंपनियों के साथ ये काम करते हैं और 85% से ज्यादा रिपीट बिजनेस इनके साथ देखने को मिला है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO राजन वेंकटेशन जी। राजन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले नतीजों की बात हम करेंगे। जो रेवेन्यूज हैं हम देख रहे हैं, वो काफ़ी क्वार्टर्स में उसमें एक अपवर्ड ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है, ग्रोथ अच्छी मिली है, और FY23 के लिए किस तरह का आउटलुक है? राजन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। थैंक यू सुमित, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, लाइक यू मेंशन, आपने सही कहा, लास्ट कई क्वार्टर्स में वी हैड गुड सीक्वेंशियल ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑन रेवेन्यूज। इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिक वर्टिकल्स वेयर वी आर सीइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड, एज यू राइटली मेंशन, टेक्नोलॉजी वर्टिकल जो है वो हमारा हमेशा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिकल रहा है, जो जहाँ पे बिटवीन 60-65% ऑफ आर रेवेन्यूज हैव ट्रेडिशनली कम फ्रॉम द टेक्नोलॉजी वर्टिकल्स, वेयर वी वर्क विद द लार्जेस्ट सिलिकॉन वैली ब्रांड्स, ऑल द बिग ब्रांड्स वी वर्क विद। और ये जो स्पेसिफिक सेक्टर रहा है, इवन राइट थ्रू द पैंडमिक एंड इवन नाउ थ्रू द रिसेशनरी टॉक्स, हमने ये देखा है ये जो सेक्टर है स्पेसिफिकली बहुत ही रेसिलियंट रहा है, एंड वी आर सीइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट डिमांड कमिंग इन फ्रॉम टेक्नोलॉजी। As far as some of the other verticals where we were a little underpenetrated, हमारा हमने इतने investment नहीं किए थे historically, specifically BFSI, जहाँ पे we are significantly underrepresented, हमने यहाँ पे last 12 से 18 महीने में काफ़ी सारे investments किए हैं, both on the capability side as well as on the front end side, and we are beginning to see some of those results come through. हमने जो last quarter, last just bygone quarter, जहाँ पर हमने Q1 के results declare किए थे, we saw that even though we added only 3 new clients, two of the new of those 3 were added in the BFSI space, and very very good, you know, marquee names that we were able to add. So all of this augurs well for us, because I think we are setting up the business in the right way, we are making the right sort of investments, and we are seeing some of that paying off. करेक्ट। तो रेवेन्यू तो हमने बढ़ते हुए देखे हैं राजन साहब, लेकिन मार्जिन्स पर हमने कुछ दबाव देखा है, वहाँ पर कुछ डिक्लाइन देखा है। पहले 30% के ऊपर हुआ करती थी वो, अब हालांकि धीरे धीरे जो है कम हो रही है। क्या वजह दिखती है आपको मार्जिन्स में कमी आने के पीछे? देखिए, मार्जिन्स, जहाँ तक मार्जिन्स का सवाल है, आपको लास्ट 2 साल जो है थोड़ा सा उनको एक्सेप्शनल ईयर जैसे काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि FY21 जो साल रहा था वो पैंडेमिक का साल था, एंड व्हाइल Q1 एंड Q2 वर लिटिल बिट इंपैक्टेड बाय लोअर डिमांड, Q3 एंड Q4 वर यू नो वी सॉ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक, राइट? एंड देयरफॉर फॉर द फुल ईयर वी स्टिल क्लॉक्ड फेली गुड रेवेन्यूज, बट ऑन द एक्सपेंस साइड आप मार्केटिंग स्पेंड्स और ट्रैवल स्पेंड्स दोनों काफी कम रहे थे, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक वी वर नॉट एबल टू ट्रैवल, वी वर नॉट एबल टू कंडक्ट सम ऑफ आवर मार्केटिंग इवेंट्स, एंड देयरफॉर 21 का जो मार्जिन प्रोफाइल था वो एक्सेप्शनली हायर था। 22 में आप देखेंगे आर मार्जिन प्रोफाइल वाज स्टिल हाई इन द यू नो ऑलमोस्ट क्लोज टू 30%। अगेन Q1 एंड Q2 ऑफ 22 वी वर स्टिल नॉट एबल टू ट्रैवल, वी वर स्टिल नॉट एबल टू होल्ड मार्केटिंग इवेंट्स। इस साल जो है हमने वी आर स्टार्टिंग टू री इन्वेस्ट, राइट? आई मीन वी आर ट्राइंग टू ट्रैवल एंड मीट आर क्लाइंट्स, यू नो, स्टे वेरी क्लोज टू देम। Also, we just held our annual roundtable event, जो हमारा flagship marketing event रहता है, जहाँ पे हम सारे industry experts को बुलाते हैं, some of our largest customers को बुलाते हैं, and we engage with them. That's an event that we did. So therefore, we will now, you know, start investing a lot more in travel and marketing, stay close to our clients. The other thing that we are very, very consciously doing, which is we are building capabilities, specific domain expertise, जहाँ पे हम लोग पीपल जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जैसे BFSI हो गया, कंज्यूमर हो गया, सप्लाई चेन हो गया, ये सारे वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल्स में हम लोग स्पेशलिस्ट को लेके आ रहे हैं, वी आर इन्वेस्टिंग हेविली इन दैट। एंड ऑल्सो जो हमारा फ्रंट एंड सेल्स टीम है, यहाँ पे हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, US में इन्वेस्टमेंट किया है,
बट हमारा हिस्टोरिकली यूएस काफी डोमिनेंट ज्योग्राफी रहा है. हमने लास्ट क्वार्टर में वी ब्रॉट इन अ न्यू हेड ऑफ बिजनेस फॉर फॉर आर यूरोपियन बिजनेस एज वेल, एंड वी विल नाउ कंटिन्यू टू अग्रेसिवली इन्वेस्ट इन द यूरोपियन रीजन, एंड देयरफॉर वी बिलीव दैट इन द लॉन्ग रन आर मार्जिन्स विल सेटल समवेयर इन द 25-28% टाइप लेवल्स, विच इफ यू लुक एट प्री पैंडेमिक लेवल्स दोज वर द मार्जिन्स दैट वी यूज्ड टू ऑपरेट इन. तो हम वी विल यू नो एनी मार्जिन्स दैट वी जनरेट इन एक्सेस ऑफ 28% वी विल plow it back and reinvest it in the business for growth in the future. फेयर इनफ, यानी कि दो अलग अलग एराज हैं, दो अलग अलग समय हैं, उन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता जैसा आप समझा रहे हैं. बिल्कुल फेयर बात है. राजन साहब, यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है, आपने अभी बात की जो क्लाइंट एडिशन की नए आपने BFSI सेगमेंट में कुछ जोड़े हैं, मैं थोड़ा सा इलेबरेट कर जानकारी चाहूँगा वहाँ पर. किस तरह के क्लाइंट विंस आपने पिछले क्वार्टर में देखे हैं, कौन कौन से किस तरह के एडिशंस देखे हैं, और ट्रैक्शन कैसा दिख रहा है आने वाले क्वार्टर्स के लिए? क्या आपको लगता है कि ये क्लाइंट विंस जो है आपके वो कंटिन्यू रह पाएंगे आने वाले समय में? या सो मैं आपको स्पेसिफिक डिटेल्स तो नहीं बता सकता हूँ क्लाइंट विंस के, क्योंकि ओइंग टू कॉन्फिडेंशियलिटी, बट इन टर्म्स ऑफ द नेम्स इटसेल्फ दीज आर वेरी मार्की नेम्स. यहाँ पे भी हम BFSI सेक्टर में एज अ फोकस एरिया वी आर नॉट गोइंग आफ्टर द ट्रेडिशनल लार्ज बैंक्स. सो जो हमारे जो लार्ज बल्ज ब्रैकेट बैंक्स होते हैं यूएस में, दोज आर नॉट द टाइप ऑफ कस्टमर्स वी आर गोइंग आफ्टर. वी आर गोइंग आफ्टर कंपनीज विच आर इन द फिनटेक स्पेस. जैसे कि वन ऑफ द क्लाइंट्स दैट वी एडेड इन द रीसेंट पास्ट वाज अ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, राइट? द अदर वन इन द लास्ट क्वार्टर दैट वी एडेड वाज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स tax related software, which is a very very popular product in the United States. So that is a new client that we added, and these are all clients that where we believe there is significant potential. Historically, while we used to start with a smaller ticket size engagement, $200,000 to $250,000 type engagement start hote the, abhi jo humne jo recent wins jo dekhe hain sare ke sare jo hain $800,000 to $1 million type contracts हमारे जो रीसेंट विंस रहे हैं. और ये बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव सिग्नल फॉर अस आल्सो, बिकॉज वी बिलीव दैट एनालिटिक्स इज गेटिंग अ लॉट मोर मेनस्ट्रीम. वी आर गेटिंग द टिकट साइज ऑफ डील्स आर हायर. वी आर आल्सो एंगेजिंग विद स्टेक होल्डर्स एट मच मोर सीनियर लेवल्स, एंड देयरफॉर ऑल ऑफ दिस ऑगर्स वेल फॉर अस इन द फ्यूचर. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई यहाँ पर कि टिकट साइज आपका बड़ा हो रहा है, ये बेहतरी है. लेकिन एक सवाल जो मन में आता है वो ये कि जो आपका रेवेन्यू मिक्स है, अभी आपने भी कहा कि टेक्नोलॉजी स्पेस जो है, टेक्नोलॉजी वर्टिकल आपका सबसे बड़ा है, करीब 69-70% आपके टोटल रेवेन्यू में उसका हिस्सा है. लेकिन जो दूसरे स्पेसेस है, BFSI हुआ, रिटेल हुआ, यहाँ पर आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, नए क्लाइंट्स ऐड कर रहे हैं, अगर आप एक आइडिया दे सकें कि आने वाले कुछ समय में, चाहे वो हम बात करें साल भर, दो साल में, आपके रेवेन्यू मिक्स में किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं? टेक्नोलॉजी अभी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या BFSI स्पेस बढ़ेगा या फिर रिटेल स्पेस बढ़ेगा? किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं इस समय? सी, टेक्नोलॉजी विल कंटिन्यू टू बी आर मेन स्टेपल. ये वो चीज जाने नहीं वाला है इवन इन द नेक्स्ट 3 to 4 years. ऑफ कोर्स, एंड टेक्नोलॉजी विल कंटिन्यू टू ग्रो एज वेल, क्योंकि आपने देखा होगा रीसेंट टाइम्स में इवन द लाइक्स ऑफ the FANG, right, where we talk about all the big names in Silicon Valley, all of them have done exceptionally well in the last few years, and they continue to do well. So technology as a vertical will continue to be the dominant vertical for us. Having said that, humne BFSI aur retail, ye do specific verticals hain, humne inko chuna hai because there is significant potential for analytics in both these verticals, and therefore from an investment standpoint, हम ये दो verticals में काफी ज्यादा investment करेंगे, both capabilities build करने में, value propositions build करने में, IP stroke tools develop करने में, और फिर sales bandwidth लगाने में. तो ये दो verticals हैं जहाँ पे हम लोग increased focus देख रहे हैं. We would want both of these verticals to grow at a much faster rate and probably contribute about 30-odd% in the next couple of years. ओके, फेयर इनफ. आपने अभी बात की मिस्टर राजन की यूएस के अलावा यूरोप की तरफ आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, आपने सीनियर ऑफिशियल्स कुछ हायर भी किए हैं. मैं जानना चाहता था कि इस समय जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो कैसा है, चाहे वो यूएस में हो या यूरोप में हो, जिसको देखकर आप अपने प्लान्स बना रहे हैं आने वाले दिनों में. आपको लग रहा है कि डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, और क्या कोई प्लान्स आपके इंडिया में जो है ग्रोथ को, इंडिया बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के प्लान्स हैं? See, as far as the US, I'll take each of these geographies separately. US ka jo geography hai,
technology continues to be very robust. We've not seen any headwinds at all. So retail may be one specific sector where we are seeing some bit of a slowdown. But fortunately for us, retail is not a very, very large vertical of course, going forward, we expect it to bounce back very sharply, because retail, you know, is one of the lead, maybe industries, right? When a recession happens, so retail is the first to get impacted, but the bounce back will also be visible in the retail sector when the bounce back happens. But in terms of, so US, may, except for retail, we see very, very robust demand signals, both in terms of jo new opportunities hain, humne jo pipeline mein dekh rahe hain, we are closing a lot of deals. CPG ek space hai jahan pe humne kaafi sare deals close kiye hain recent times mein. Again, there is a specific value proposition that we've created. We've launched it's a solution called Connected View, which focuses on the supply chain problem for large industrial players. Ye jo product humne jo launch kiya hai, we are seeing very, very good robust demand for Connected View. We've recently signed on a client selling this particular solution, and we believe that this is something that we'll be able to take to a lot more of our CPG and industrial clients. So demand side mein hum log, there is not much of slackening, at least as far as US is concerned. Europe mein jo hai, it's still early days. It's still fledgling for us. Jo investments kiye hain, of course, our intent is that Europe should grow to about 15-20% in the next 2-3 years. While US will still be the dominant geography, Europe should grow to about 15-20%. India ko jo sawal hai, we have set aside a separate team to focus on India, not just India, it's India plus APAC. So India, Middle East, and to some extent, you know, Singapore and Hong Kong markets, because I think within the Asia region, these are the more mature markets. And we are seeing a lot of interest, right? And we are talking to multiple large Indian corporates. Although at this point in time, India is still very insignificant, but we believe that this is a market that has potential to maybe grow to about 5% or thereabouts in the next 2-3 years. ग्रोथ पोटेंशियल है, आगे आने वाले समय में वो होगा ही, आपके पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा हो सकता है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, और वो जो चैलेंजेस हैं, वो जो खबरें आ रही थी वो ये कि एट्रिशन से काफी हद तक आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे, इस समय क्या सिचुएशन है, क्या वो मॉडरेट हो रहा है, किस तरह का आउटलुक आपको दिख रहा है? देखिए, जहां तक एट्रिशन का सवाल है, लास्ट ईयर डेफिनेटली वाज अ चैलेंजिंग ईयर। हम बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे कि इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस, एज वाज द केस विद द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल, वेयर वी आई थिंक वी वर ऑल क्लॉकिंग अट्रिशन इन एक्सेस ऑफ 30-odd%, राइट, व्हिच वाज ऑफ कोर्स अ बिट चैलेंजिंग बिकॉज डिमांड एनवायरनमेंट वाज वेरी वेरी स्ट्रांग, राइट, एंड देयरफॉर ऑन द सप्लाई साइड वाज वेयर द बल्क ऑफ द चैलेंज वाज कमिंग इन। हमारे आईपीओ के बाद इमीडिएटली वी हैव सीन दैट दैट हैज वन हैड अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन अट्रिशन इन जनरल। आई थिंक द परसेप्शन ऑफ द कंपनी इन द आईज ऑफ द एम्प्लॉइज हैज गॉन अप, वन एंड टू। आल्सो वी डिड अ वेरी ब्रॉड बेस्ड ईसॉप इश्यूएंस जस्ट बिफोर आर आईपीओ, व्हिच आई थिंक हैज हैड अगेन अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द साइकी ऑफ एम्प्लॉइज, एंड देयरफॉर वी हैव सीन रिटेंशन रेट्स गो अप। बट इस साल जो है, अभी स्पेसिफिकली Q1 की बात करेंगे, तो Q1 में हमने देखा कि अट्रिशन हमारे प्री पैंडेमिक रेट्स पे चले गए हैं, जहाँ पे इट्स लाइक इन द अर्ली 20s नाउ फॉर अस अट्रिशन, विच आई थिंक इन आर इंडस्ट्री, बिकॉज इट्स अगेन वी हायर पीपल फ्रॉम वेरी नीश कॉलेजेस, यू नो द लाइक्स ऑफ IIT, IIMs, द NITs, राइट, दीज आर यू नो फोक्स विद fairly high degree of ambition. So these are people who invariably after working for a few years will either leave for higher studies or leave for better opportunities. So this is the data analytics is anyway a very, very hot sector, but 20-25% is the level of attrition that we've been used to historically. And I think those are fairly manageable levels for us. फेयर इनफ। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले क्वार्टर्स के लिए। मिस्टर राजन, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। राजन वेंकटेशन, CFO लेटेंट व्यू, आपको बता रहे हैं किस तरह से ग्रोथ चल रही है। US में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, यूरोप में बिजनेस धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इंडिया आने वाले समय में करीब 5% तक का हिस्सा हो सकता है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, एट्रिशन एक समस्या है पूरी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन वो मैनेजेबल है, बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। 4% स्टॉक ऊपर 383 पे क्या करना चाहिए आपको? रवि सिंह मेरे खास मेहमान।
मेहमान जुड़ गए मेरे साथ। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका इथिनाव स्वदेश पर। क्या कॉल है इस समय लेटेंट व्यू पर आपका? देखिए स्वामी जी, जिस तरीके से कंपनी आईटी सॉल्यूशंस में है और पीछे आईटी कंपनीज में जो एक डेंट देखने को मिला है इकोनॉमी में, उसका एक इम्पैक्ट तो ओवरऑल इंडस्ट्री में यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन लेटेंट व्यू की बात करते हैं, जो कि 754.90 रुपए का हाई बनाने के बाद अब इस समय 382 के पास है, तो थोड़ा सा अट्रैक्शन लेवल तो यहाँ पर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ जाता है। और अभी के मोमेंटम में अगर यहाँ पर देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार 450 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक मिड रिटर्न के हिसाब से काफी अच्छे लेवल्स है, क्योंकि ईपीएस 7 के करीब का है और मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं तो जो एबिटा है या फिर जो सेल्स नंबर है वो एक एवरेज ऑन देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ट्रिमेंडस नहीं, लेकिन एक सेफली आपको यहाँ पर एक रिटर्न मिल सकते हैं। बहुत से लोगों ने ऊपर लेवल पर खरीदा होगा, उनको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। 450 के आसपास आता है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिव्यू कर सकते हैं कि आपको आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना। लेकिन जो अभी का करंट सिनेरियो है उसमें 380-370 के बीच में अगर खरीदते हैं तो 350 का एक स्टॉप लॉस लेके आपको 450 एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है, डिसेंट रिटर्न मिल रहा है, तो आप ये पोजीशन यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि हमें वो स्ट्रैटेजी बताने के लिए। 370-380 के बीच में आप ले सकते हैं लेटेंट व्यू, 350 का लगाइए स्टॉप लॉस और 450 तक के टारगेट्स के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। चलिए